मैं रोहित भाई, ये बांग्लादेश दौरे के लिए तुमने कैसी लुल्ल टीम चुनी है? ना तुमने हमको लिया, ना ही सूर्या को लिया, ना संजू सैमसन को लिया, पंटवा और जे ससडी का राहुलवा लुल्ल खिलाड़ियों को ले लिया तो तुम घंटा जीत पाओगे का? अम्मे हाँ शर्मा जी, हार्दिक पांड्या सही बोल बारा का चयन करता, नशा पत्ता करके ससडी का टीम का चयन करते। अगर ओपनर की जरूरत आती तो अपने शिखर भाया थे, तो ये पंटवा और जे राहुलवा लुल्ल की क्या जरूरत है बूटने की टीम में? अमे देखा देखा खोली भाई, हमारे साथ कैसा कैसा धोखा किया जा रहा। पहले हमको न्यूजीलैंड दौरे पे भेजा, एक भी T20 में मौका नहीं मिला। उसके बाद में वनडे में पता नहीं मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद में बांग्लादेश दौरे के लिए हमको रखा ही नहीं गया। हमारा करियर खत्म करने की पूरी साजिश करी जा रही है कि अमे नहीं नहीं संजीव बाबा, तुम कैसा कैसा सोचते हो। हमने सोचा न्यूजीलैंड में ODI खेल करके तुम थक जाओगे, इसलिए हमने बांग्लादेश दौरे के लिए तुमको नहीं लिया। आराम से बैठो, आराम करो, अगली सीरीज में तुमको फिर ले लेंगे। अमे नहीं नहीं रोहित भाई, जे संजू बाबा बात तो सही बोल पा रहे हैं। अगर आराम देना था जे ससरी के पंटवा और राहुलवा को देते, इनका कोई जरूरत नहीं होती। टीम में बिल्कुल लुल्ल खेल रहे हैं बूटने का, फिर भी इनको बार बार मौका दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है इन लोगों को? मैं सूर्या भूल गए का भूल गए, जिस तरीके से हमसे कप्तानी छीनी गई थी उसी तरीके से संजू सैमसन का करियर खत्म करा जा रहा है, इसलिए इन दो को मौका दिया जा रहा है। संजू को अनदेखा किया जा रहा है। अमेल कोहली भाई तुम कैसा बात करते हो? हमने तो ऐसे ऐसे मैच बार जिताए जो कि संजू बाबा सपने में भी नहीं जिता सकते। भूतने का हमको भूल गए, हमने तुम्हारी कप्तानी में जाने पता नहीं कितने मैच बार जिताएंगे। अमे वो भूतनी के पंटबा, अगर तेरे जितने हमको मौका मिलते तो सच्ची का हम अब तक टीम इंडिया में परमानेंट जगह बना चुके होते, तेरी तरह लुल्ल ना खेलते भूतनी के। अमे रोहित भाई, संजू सैमसन सही बोल रहा है बूटने का, तुमने एक तो पंटबा को टीम में ले लिया और उसके बाद में ईशान किशन दोनों लुल्ल खिलाड़ियों को ले लिया। अगर आराम देना था तो इनमें से किसी को भी दे देते, पर संजू सैमसन को तो खिला लेते बूटने के। कहा भैया तुम हमरे से मिलवा तो सकता है, ना कर रहे हो, हम दूर रहे, सब करो यार, क्या कर रहे हो।